अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, तो मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? आवाज ऑडिबल है सबको? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी सर। अच्छा, एक तुम लोगों को बात ये बतानी है कि तुम लोगों का एग्जाम कमिंग वीक नहीं है। एक टाइम टेबल बना दिया गया है, उस शेड्यूल के मुताबिक ही होगा तुम लोगों का एग्जाम इंग्लिश का भी, विच इज सजेस्टिंग कि आपका इंग्लिश का एग्जाम है जुलाई 17 को। ठीक है, तो तुम लोगों को टाइम मिल गया, खुश हो जाओ। इंग्लिश का एग्जाम जुलाई सर, 17। हाँ हाँ बोलिए। किस चीज का टाइम मिल गया? मैंने सुना नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश का एग्जाम आप लोगों का कमिंग वीक नहीं है, अब इंग्लिश का एग्जाम जुलाई 17 को है। बाकी टाइम भी तुम लोगों से शायद शेयर कर दिए क्या है, कर देंगे मुझे नहीं पता। शेड्यूल मिल गया तुम लोगों को? नहीं मिला अभी तक? नो सर, नहीं सर, नहीं मिला सर। ऐसा इसने कहा है कि अब तक बना नहीं है। हाँ, वो शेड्यूल तकरीबन हम लोग की तरफ से 90% कम्प्लीट हो गया है वो, तो तुम लोग खुश हो जाओ। ये मैं कह रहा हूँ कि कमिंग वीक एग्जाम नहीं है, एक हफ्ते का टाइम है। तो जितने क्वेश्चंस क्वेरीज हैं आज जितने कवर हो जाए अच्छा है, इसके अलावा जो रह जाएंगे वो कमिंग क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा KU जो जहाँ तक मैं कवर करवाऊंगा वो इंटरनल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो रह जाएगा वो KU के एक्सटर्नल से पहले एक क्लास रख के और तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है, रोना धोना नहीं बचाना। चलो पढ़ना शुरू करें। पहले क्या बताओ तुम लोगों को, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता देता हूँ। सबसे ज्यादा वो तंग कर रहा है तुम लोगों को, जहां तक मेरा ख्याल है वो पूरा भी नहीं हुआ था मेरे, वो मैंने वो क्लास में पढ़ाया भी नहीं है, वो तो एक ऑनलाइन लेक्चर मैंने शेयर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। ठीक है, तो फिर अब जल्दी से अपने बेल्ट टाइट कर लो और मतलब दिमाग पूरी तरह खोल लो, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल, अच्छा इसे सेंटेंस सिंथेसिस कहते हैं, ये याद रखना, सेंटेंस सिंथेसिस कहलाता है जो हम कर रहे हैं। सेंटेंस सिंथेसिस, एक सेंटेंस की टाइप मेरे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस, एक है कंपाउंड और एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है मेरे पास तीनों। और एक वेरिएंट होता है इसका जो बेसिकली कैसे बनता है, हाइब्रिड प्रोडक्ट कहलाती है। वो हाइब्रिड प्रोडक्ट कैसे बनती है आपकी, वो कहलाती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो यूजली एग्जाम में देता नहीं है लेकिन फिर भी बता दूंगा तुमको होता क्या है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें दोनों हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली आपके पास कितने सेंटेंस बन गए, चार तरह के बन गए। एक कौन सा है आपके पास, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड, एक है कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स डिस्कस व्हाट सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए भाई सिंपल को समझने के लिए सबसे आसान चीज क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे। हम लिखते हैं सिंगल, सिंगल थॉट या सिंगल आइडिया अगर किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो कौन सा कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अ सेंटेंस इन व्हिच अ सिंगल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड, और सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन व्हिच वी एक्सप्रेस अ सिंगल थॉट और सिंगल आइडिया। ठीक है, एक सिंगल थॉट होती है या सिंगल आइडिया होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुई बात ये? सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंगल थॉट या सिंगल आइडिया वाला। जैसे अगर मैंने कह दिया आई एंड माय फ्रेंड, पहले तो खाली असेंबल लेते हैं, आई एंजॉयड द पार्टी,
अब मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस में कोई और आइडिया है एंजॉय द पार्टी के अलावा, पार्टी की एंजॉयमेंट के अलावा कोई और बात कर रहा हूं मैं यहां पर? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ सिंपल सेंटेंस। अब इसके अलावा देखते हैं, अगर मैं यूं कह देता हूं आई एंड माय फैमिली, आई एंड माय फ्रेंड एंजॉय द पार्टी, अगेन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखिए आई एंड माय फ्रेंड दो के ये क्या है, कंपाउंड आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो है यहां पर, लेकिन एंजॉयड द पार्टी आइडिया तो एक ही है, एंजॉयड द पार्टी एंजॉय करने का आइडिया ना यहाँ पर, तो और कोई आइडिया ही है ही नहीं यहाँ पर। तो आप ये देखेंगे भाई कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स हो, लेकिन अगर आइडिया एक ही हो तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? दैट इज सिंपल सेंटेंस फॉर यू। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पर? जल्दी से सब मुझे चैट में बताइए क्लियर हुई नहीं हुई क्लियर की बात, सिंपल सेंटेंस होता क्या है? Simple sentence is a sentence in which we express a single thought or single idea. Then simple sentence, कौन sentence है जिसमें एक single thought की बात होती है या single idea की बात होती है? जैसे मैंने कहा I enjoyed the party, तो इसमें से party की enjoyment की बात हो रही है, ठीक है? I and my friend enjoyed the party, यहाँ पर भी सिर्फ party की enjoyment की बात हो रही है, चाहे I and my friend का ही जिक्र क्यों ना हो, idea एक ही है यहाँ पर भी, सिर्फ enjoyment की बात हो रही है, ठीक है? चाहे कंपाउंड सब्जेक्ट हो चाहे कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो, अगर आइडिया एक होगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर हुई बात? ये दूसरी बात लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग कंपाउंड की, किसी बात करते हैं कंपाउंड की बात करते हैं। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड कहते हैं व्हेन टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर यूजिंग अ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। When two simple sentences are combined together using a preposition or conjunction, a compound sentence is formed. यानि दो simple sentences को अगर जोड़ देते हैं हम किसी preposition से या किसी conjunction से, वो क्या बन जाता है? वो एक compound sentence बन जाता है। यानि basically यहाँ पर compound sentence में क्या होगा? कम से कम दो thoughts होंगी, या कम से कम दो thoughts होंगी, या दो ideas होंगे, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? सिंपल सेंटेंस सिंगल थॉट, कंपाउंड सेंटेंस एटलीस्ट टू थॉट्स, ठीक है? ज्यादा जितनी भी हो सके, फिर दो सिंपल सेंटेंस से मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो एक सिंपल सेंटेंस एक थॉट लेकर आया, एक दूसरा सिंपल सेंटेंस एक और थॉट लेकर आया, तो एटलीस्ट दो थॉट्स का होना जरूरी है। किस किसके लिए? कंपाउंड सेंटेंस के लिए। यार डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव तो मैंने करवाया था, क्या हो गया? एक्टिव पैसिव की बात है, मैं करवा दूंगा डिग्री से बचकर, तुम करवा चुका हो ना? जी सर आपने करवा दिया था, डिग्री से बचकर तो हो चुका है साथ, एक्टिव पैसिव मैं करवाऊंगा, सबोर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन में रिवाइज करवा दूंगा। अभी फिलहाल हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबोर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन या एक्टिव पैसिव में से कोई एक चीज करवा दूंगा। डिग्री से बचकर तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा खैर, अब देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे। आपने कहा भाई हमें क्या चाहिए? दो सिंपल सेंटेंसेस चाहिए, तो एग्जामिनर आपको दो सिंपल सेंटेंसेस देगा, एग्जामिनर आपको दो सिंपल सेंटेंसेस देगा। देखते क्या करता है भाई, उसने मुझसे कहा
I worked hard. I succeeded. ठीक है, I worked hard. I succeeded. अच्छा पहले वाले में देखो जरा, I worked hard में सिर्फ आपके बता रहे कि आपने मेहनत की, एक आइडिया. नीचे वाले में I succeeded ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कामयाब हो गया, एक आइडिया. दो अलग अलग फॉर्स है, अग्री करते हैं इस बात से? पहला वाला क्या है? I worked hard. दूसरा क्या है? I succeeded. ये दोनों क्या है? सिंपल सेंटेंस है. ये क्लियर हुई बात सबको? अगर हमें इन दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या बनाना है, हमें बनाना है इनका कंपाउंड. तो हम क्या करेंगे भाई, हम ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास. अब देखो जरा, ये दोनों क्या है हमारे पास? सिंपल. जब हम कंपाउंड बनाने चाहते हैं तो हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स की लग्जरी दी जाती है. कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास क्या लग्जरी? फेन बॉयज की लग्जरी है. फेन में एफ क्या है? फॉर है. फॉर आता है रीजन के लिए, ठीक है. ए क्या है? एंड है. एंड आता है एडिशन के लिए. एंड क्या है? नॉर है, ठीक है. नॉर आता है नेगेशन के लिए, मना करने के लिए, यानी कि चीज नहीं होने के लिए. बी क्या है? बट है. बट आता है कंट्रास्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए. वाई क्या है? येट है. और येट का यूसेज भी वही है जो बट का यूसेज है. और एस क्या है? सो है. सो भी किस लिए आता है? रिजल्ट. सर आपने ओ मिस कर दिया. अच्छा रह गया, आपने बता ये रह गया ना यहां पर. ओ क्या है? और है. और आता है ऑल्टरनेटिव के लिए, चॉइसेस के लिए. किसके लिए आता है? ऑल्टरनेटिव के लिए. ऑल्टरनेटिव के लिए नहीं आता, बताया था मैंने क्लास में. तो फैन बॉयज से जुड़ते हैं अगर सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस, तो वो हमेशा क्या बनते हैं? वो हमेशा क्या बनते हैं? हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं. अब हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें गिवन सिंगल सिंपल सेंटेंस मिलेंगे वो इनमें से किससे जुड़ेंगे तो मुनासिब लगेगा, अच्छा लगेगा. अब ऊपर वाला सेंटेंस हमारा क्या था? आई वर्क्ड हार्ड, आई सक्सीडेड. आई वर्क्ड हार्ड, आई सक्सीडेड. मैंने मेहनत की और मैं कामयाब हो गया. मैंने मेहनत की और मैं कामयाब हो गया, तो कौन सा बेहतर लग रहा है? I worked hard for I succeeded, नहीं. I succeeded for I worked hard, नहीं. I worked hard and I succeeded, अच्छा लग रहा है यहाँ पर? तो आपने कहा I worked hard and I succeeded. ये बन गया क्या? Compound sentence. आपको पूरे marks मिल गए इसके. यानी I worked hard एक sentence था जो simple sentence था, I succeeded एक और सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस है. इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन थे फैन बॉयज के. फैन बॉयज में कौन सा फिटन हो रहा है यहाँ पर? एंड फिटन हो रहा है. एंड से सेंस बन रहा है, तो आपने एंड से जोड़ दिया और क्या बन गया आपका? कंपाउंड सेंटेंस बन गया. चेक करते हैं कंपाउंड सेंटेंस सही है या गलत है. कैसे चेक करते हैं? दरमियान में आपने जोड़ा है वर्ड, उसको छुपाएं. उसको छुपाते हैं. अगर मैंने इसकी जगह क्या लगा दी? स्लैश लगा दी. आई वर्क हार्ड कंप्लीट सेंटेंस है. I succeeded complete sentence. यानी दोनों अगर मैं देखूंगा independent करके, दोनों मुकम्मल sense दे रहे हैं. इसका मतलब मैंने सही बनाया. यानी compound sentence जुड़ने के बाद भी क्या होता है? अगर उसको अलग करोगे तो क्या बन जाएगा? Complete sense देगा वो. यानी दोनों simple sentence बिल्कुल वैसे ही उतारने, दरमियान में बस एक word लगाना है, उनको change नहीं करना आपको. ये क्लियर हुई बात? हो सकता है बिल्कुल शिजा वो हो सकता है, लेकिन सिंपल रखो. मैं रीजन देखिए बताऊंगा. नहीं नहीं वो बताऊंगा. वो सो भी आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सो लगाए यहाँ पर. आप ये वजह नहीं बता रहे आप. आप इसी बता रहे हैं मैंने मेहनत की और मैं कामयाब हो गया. यानी मेहनत का रिजल्ट कामयाबी निकला ये नहीं बता रहे हैं आप. ये बता रहे हैं कि भाई मैंने मेहनत की उसके बाद मैं कामयाब हो गया, ठीक है. तो ऑप्शन है आपके पास, जो सिंपल लगे वो लगा देना. अब देखते हैं दूसरा.
जहां पे आप खालिस्तन ये बता सकेंगे भाई कि ये क्या है, रीजन वाला है। अगला देखते हैं आप, मैं एक सिंपल सेंटेंस दे रहा हूं यहां पर, शी फेल इल, शी शी एट जंक फूड शी फेल इल। अब दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं भाई, आप इसको दो दो अंदाज से बता सकते हैं, यानी जंक फूड खाने की वजह से वो बीमार हो गई, या उसे जंक फूड खाया और वो बीमार हो गई। तो यहाँ पर एड भी आ सकता है और क्या आ सकता है, सो भी आ सकता है और फॉर भी आ सकता है। कैसे देखते हैं आप, ये कहते हैं भाई शी एट जंक फूड एंड शी फेल इल, एक ऑप्शन, ठीक है, शी फेल इल। अब मैं यहां क्या बता रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं कि भाई पहले क्या चीज आ गई, जो हुआ था यानी जो कॉन्सिक्वेंस था, जो रिजल्ट निकला था, बीमार पड़ी थी, किस वजह से पड़ी थी, अगर वजह बताने जा रहा हूं तो यहां पर फॉर पहले आएगा, फिर वो वजह आ जाएगी, शी एट जंक फूड, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, शी एट जंक फूड, यानी आप हतमी तौर पे कह रहे हैं जंक फूड खाने से ही वो बीमार हो गया, एंड में आप डाउट में हैं, जरूरी नहीं उसकी वजह से बीमार हो गया, मगर एडिशन हो गया उसमें एक और चीज का, एक तो एक बुराई थी और एक बुराई में बुराई ऐड हो गई है, ठीक है, सो शी फेल इल। यानी ये तीनों जस्टिफाइड हैं, तीनों में मार्क्स मिलेंगे पूरे पूरे आपको, लेकिन आपकी मर्जी, आप कौन सा बनाते, लेकिन जो भी बनाए वो सही बनाइएगा। फेल इल वाले में, फॉर वाले में क्या है, आपका रीजन बाद में आ रहा है, सो वाले में क्या है, रीजन पहले आ रहा है, और एंड वाले में भी रीजन पहले आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ जो ऐसी चीज है जो सिर्फ एंड वाले ही हो, जिसमें फॉर और सो ना लग सके, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ही इज कॉन्फिडेंट He completes his assignment on time. अब देखो, he is confident, he completes his assignment on time. अब confident होने के बाद assignment complete करने का कोई direct link नहीं बन रहा, तो इसमें so और for वाली बात नहीं बन रही। अगर intelligent होता या punctual होता तो ये end वाला case के अलावा भी बन सकता, लेकिन कॉन्फिडेंट होना असाइनमेंट कंप्लीट करने से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अग्री करते हो इस बात से? अगर मैं कहता ही इज इंटेलिजेंट, ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, या ही इज पंक्चुअल, ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो वो सो और फॉर्स भी बन सकता था, लेकिन यहां पर कॉन्फिडेंट होना लिखा है और साथ क्या लिखा है, असाइनमेंट कंप्लीट करना लिखा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो दो पॉजिटिव आइडियाज हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आप कैसे जोड़ देंगे, एंड से जोड़ेंगे खाली। He is confident and he completes his assignment on time. Clear हो रही बात है? इधर so और for नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं भाई? समझ नहीं आई बात मुझे? सर एक दफा फिर repeat कर दें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई अगर he is confident कह रहा हूँ मैं, और he completes his assignment on time कह रहा हूँ मैं, तो confidence का assignment complete करने से direct कोई link नहीं है। एक अलग क्वालिटी है लेकिन पॉजिटिव है, और टाइम में असाइनमेंट कंप्लीट करना भी एक क्वालिटी है, दो अलग अलग क्वालिटीज हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऐसा है ना। अगर मैं कहता ही इज पंक्चुअल, ही इज पंक्चुअल, ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड क्वालिटीज थी, सही बात है? अग्री करते हो इस बात से? अगर डायरेक्टली कनेक्टेड क्वालिटीज आती हैं तो वहां पर एंड भी लगा सकते हो, वहां पर सो भी लगा सकते हो, वहां पर फॉर भी लगा सकते हो, लेकिन अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड क्वालिटीज आती है तो वहां पर एंड से ही जोड़ना, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ में आई बात?
नहीं 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 येट कतई नहीं आ सकता, येट का भी बता दो ना। येट में क्या है, अगर एक बात हो रही ईस्ट की तो अगर दूसरी बात वेस्ट की हो रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस की बात हो रही है, यानी एक तारीफ है तो एक बुराई है, एक अच्छाई है तो एक बुराई है, ठीक है, एक अच्छी बात है तो एक बुरी बात है, तब येट और बट आता है। दोनों अच्छी बातों में या दोनों बुरी बातों में येट और बट नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने कहा ही इज इंटेलिजेंट, एक सेंटेंस ये, उसके बाद लिखा ही इज इंटेलिजेंट ही फियर्स फेसिंग पब्लिक। अब देखो, एक तो जहानत की बात हो रही है और दूसरे में बोल रहे हैं वो पब्लिक को फेस करने से डरता है। एक बात क्या है, पॉजिटिव है, चेक करते हैं, ही इज इंटेलिजेंट पॉजिटिव बात है, अग्री करते हो सब मुझसे, जबकि ही फियर्स फेसिंग पब्लिक ये एक नेगेटिव बात है ना। अब एक पॉजिटिव बात है एक नेगेटिव बात है, तो ये कभी एंड से नहीं जुड़ेगी, ये कभी सोर्स से नहीं जुड़ेगी, ये कभी किस फॉर्ट से नहीं जुड़ेगी, बल्कि किससे जुड़ेगी, या तो येट से या बट से। आप कह देंगे ही इज इंटेलिजेंट येट स्लैश बट ही फियर्स फेसिंग पब्लिक। क्लियर हुई बात ये, ही इज इंटेलिजेंट येट ओ बट ही फियर्स फेसिंग पब्लिक, ही इज इंटेलिजेंट येट स्लैश बट ही फियर्स फेसिंग पब्लिक। क्लियर हुई बात यहां पर, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थॉट हो, एक डायरेक्शन ईस्ट हो तो दूसरी वेस्ट हो, तो क्या होता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के दो आइडियाज आते हैं तो हम उसे बट से या येट से कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुई बात ये, अब जरा एक और चीज देखो, और की बात करते हैं। अब मैं कहता हूं कि You can join army or you can apply in Air Force कर, ठीक है, या इसको ये कर देता हूँ मैं, join ही कर देता हूँ ताकि और आसान हो जाए। मैंने क्या कहा, You can join army, you can join Air Force। अब देखो ये दो actions हैं, लेकिन एक वक्त में इन दोनों में से कोई एक action perform हो सकता है। जब भी आपके पास दो choices हो और उनमें से कोई एक ही पूरी हो सकती हो, एक ही को आप opt कर सकते हो, तो वो कौन सा केस होता है, वो alternative वाला केस होता है, ठीक है, जैसे स्टैंड अप और सिट डाउन, पास और फेल। अब इनमें से कोई एक चीज होगी ना, दोनों साथ नहीं हो सकती, अग्री करते हो इस बात से, ईट समथिंग और स्टे हंग्री, ईट समथिंग और स्टे हंग्री, डू और डाई, इनमें से कोई एक चीज होना है। डू और डाई इतनी छोटी सी बात है, लेकिन क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, दो आइडियाज हैं, डू एक आइडिया है, डाई एक और आइडिया है, लेकिन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, ठीक है, तो क्या आता है, और आता है करेक्ट करने के लिए। आप क्या बोलेंगे, यू कैन ज्वाइन आर्मी और यू कैन ज्वाइन एयरफोर्स। क्लियर हुआ अच्छी तरह से,
इसकी एक और एग्जाम्पल अभी तो मैंने बताया था, अब देखो क्या लिखा, यू कैन लिव हैपली, यू कैन लिव हैपली, यू कैन लिव अ सेट लाइफ, यू कैन लिव हैपली, यू कैन लिव अ सेट लाइफ। अब दो ऑप्शंस हैं, अब इन दोनों में से एक काम करना है ना आपको, दोनों साथ ही कर सकते हैं आप। इफ यू आर लिविंग हैपली यू कैन नॉट लिव अ सेट लाइफ, एंड इफ यू आर लिविंग अ सेट लाइफ यू कैन नॉट लिव हैपली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे हम लोग, तो यहां पर हमको एक काम कर सकते हैं दोनों में से, तो हम क्या लगाएंगे, और You can live happily or you can live a sad life. ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे, फिर नॉर बताता हूं मैं आप लोगों को। लास्ट रह गया नॉर, बाकी सारे हो गए। नॉर बड़ा ही सिंपल है। अगर दो सिंपल सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें दोनों में नॉट आ रहा है, जैसे I do not trust you. I do not trust you. ठीक है, एक सुबह है ये। I do not trust you. I do not like you. I don't trust you. I don't like you. ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं और दोनों में क्या आ रहा है, नेगेशन, दोनों में नॉट आ रहा है। डू नॉट, डू नॉट दोनों में आ रहा है, नॉट नॉट दोनों में आ रहा है। आप कह सकते हैं आई डोंट ट्रस्ट यू, नॉट डू आई लाइक यू। अब इसमें क्या तब्दीली होती है, जब नॉट की जगह नॉर आता है तो बीच में से नॉट हट जाता है अगले वाले सेंटेंस में। I don't trust you वैसे ही रहा, लेकिन नॉर लगने के बाद क्या हुआ, I do not like you जो है क्या बन गया, यहां से अगर उस वाले स्ट्रक्चर पे जाए तो ये था, ये I don't trust you nor I don't like you। अब nor I don't like you अच्छा नहीं लग रहा, तो यहां से मैंने not हटा दिया, तो nor I do like you अच्छा, अब बेहतर लग रहा है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये do हटा कर कहां पर रख देंगे हम लोग, nor के बाद लगा देंगे। अभी कितना खूबसूरत हो गया माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बसे बसे। आई डोंट ट्रस्ट यू नॉट डू आई लाइक यू, सर हमें नॉट एक साइड से रिमूव करना है बस। जी दोनों साइड से कर दोगे तो फिर फायदा क्या हो जाएगा, मतलब आई ट्रस्ट यू हो जाएगा। तो नेगेटिव आईडी नहीं रहा ना, सही। अब बताओ कंपाउंड सेंटेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं सर, हम ये आई डोंट लाइक यू को फर्स्ट में भी रख सकते हैं ना, जहाँ पे आई डोंट ट्रस्ट यू रखा है हमने, और इससे भी सेंटेंस की बात है, लेकिन जो अरेंजमेंट दिया हुआ है वो बेहतर है, मुझको क्या तब्दील करने की जरूरत। ओके सर, नहीं सर असल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कहने के लिए। इंग्लिश में कहते हैं किल योर कंफ्यूजन, अदरवाइज योर कंफ्यूजन कैन किल यू और विल किल यू। अब बताओ मुझे भाई, सबको क्लियर हो गया, सिंपल से कंपाउंड बनाना सबको आ गया, कोई ऐसा लायक बच्चा तो नहीं जिसका अभी भी समझ नहीं आया है, कोई इतना लायक जिसके अभी भी समझ नहीं आया। सुमा बिल्कुल सही से नॉर क्यों आएगा, बट लगा दी ना सही है बिल्कुल। इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज, एक सिंपल सेंटेंस घबराना नहीं है, दूसरा सिंपल सेंटेंस एक पॉजिटिव बात है एक नेगेटिव बात, बट से बिल्कुल सही छोड़ा हुआ है, इसमें नॉर लाने की क्या जरूरत है। खैर सब क्लियर हो गया, अच्छा तुम पहले बोला तुमने सॉरी। अब मुझे बताओ जल्दी से सिंपल से कंपाउंड बनाना आ गया, सबको
सबको आगे जल्दी से बताओ मुझे। सर बोलिए। सर ये तो आपने इजी वाले बता दी ना, ये तो आ गए, लेकिन पास पेपर में थोड़े अजीब अजीब से होते हैं ना, तो मसला हो जाता है। अजीब अजीब से नहीं होते अल्लाह की बंदी, इसके अलावा थोड़ी उससे कुछ नहीं सर मैंने देखा। अच्छा अच्छा सिंपल से कंपाउंड बनाने की बात करो, मैं भी कॉम्प्लेक्स पढ़ा ही नहीं मैंने। अच्छा ये तो सिंपल है ना, सिंपल से कंपाउंड वाला है और इससे मुश्किल नहीं, उससे यही होते भाई कंपाउंड सेंटेंस में फैन बॉयज के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो इससे मुश्किल कैसे आ सकते हैं। अगर फैन बॉयज समझ में आ गए हैं तो फैन बॉयज ही ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है अच्छा अब देखो जरा, अगर कोई इंसान कहता है भाई आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे होने का दावा करें, मुझे चेक करना है आप लोगों को कुछ आता है नहीं आता, ठीक है, वो चेक करने पे आके कह रहा हम मुझे चेक करके देखे, मुझे चेक करना है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई इंग्लिश आती नहीं आती, तो वो हमें चेक करने के लिए आता है, हम पाकिस्तानी लोग हैं। ठीक है अब हमने जो कंपाउंड सेंटेंस बनाया है उसने छुपा ली हमसे सिंपल सेंटेंसेस, उसने क्या किया हमसे सिंपल सेंटेंसेस छुपा लिए। अब मुझे बताओ कि अगर आई वर्कड हार्ड एंड आई सक्सीडेड है, ये सेंटेंस हमें दिया हुआ, ये कौन सा हम पहचान गए एंड से जुड़ रहा है, और दो अलग अलग सेंटेंसेस थे जो एंड से जुड़ रहे हैं तो हम समझ गए ये कंपाउंड है, पहचान में आ रहा है। आई वर्कड हार्ड एंड आई सक्सीडेड, पहचान में आ रहा है ना कि कंपाउंड है, जल्दी से बताओ मुझे। तो अब जब ये पहचान में आ रहा है तो आपको पता चल गया भाई यहां पर वी हैव टू डिफरेंट थॉट्स, वी हैव टू डिफरेंट आइडियाज, वी हैव टू डिफरेंट आइडियाज, वी हैव टू डिफरेंट थॉट्स। अगर हम इसे कहते हैं कि आप इसे सिंपल बनाओ तो हमें इनमें से कोई एक आइडिया हटाना पड़ेगा, इनमें से कोई एक आइडिया हटाना पड़ेगा। तो आई वर्कड हार्ड एंड आई सक्सीडेड में अगर मैं खाली आई सक्सीडेड लिख दूंगा तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, या अगर मैं चाहूंगा तो सिर्फ खाली क्या लिख दूंगा आई वर्क हार्ड, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। यानी कंपाउंड से सिंपल बनाना कितना आसान है, जो एक हिस्सा है बस वो लिख दो, अगला ऐसे छोड़ दो, आगे बनाना जादू के लिए हम लोग पड़ेंगे। जो बात थी वो तो पूरी नहीं होगी ना, मतलब सेंटेंस तो इनकम्प्लीट ही आएगा ना, फिर ऊपर तो दो बातें थी। अरे अल्लाह की मंदी, ऊपर दो बातें इसलिए थी, ऊपर दो आइडियाज थे सर, सिंगल आइडिया हुआ ना, पर तो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया, तो सेंटेंस सिंगल आइडिया है और बात पूरी हो रही है, फ्रेगमेंट नहीं है, अगर वो तो इसका मतलब कंप्लीट है। ओके सर ठीक है, यही बात ही है। अच्छी तरह समझ में आई बात ये, अच्छा क्या मतलब शिजा क्या कर रहे हैं अभी, दुआ करें दुआ, मैं ही बता रहा था अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस देते हैं और बोले सिंपल में कन्वर्ट कर दो, उनमें से कोई एक इंसर्ट एक सेंटेंस जो है खा जाना, तो एक सेंटेंस जो बचेगा वो क्या होगा, सिंपल होगा, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंपाउंड बन रहा है ना, तो अगर उनमें से एक को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, वापस सिंपल बन जाएगा, बस ये बता रहा था। क्लियर हुई बात, ये इतना मासूम सा टॉपिक है ये। शेयर यहां से तो कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, तो चैट पे कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आज आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में एक बड़ा मासूम सा फर्क है। कंपाउंड कहता है कि भाई दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं हम सिंपल तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है, दो सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कॉम्प्लेक्स कहता है दो सिंपल सेंटेंस नहीं, एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस और एक फ्रेगमेंट हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होते, वो दो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है।
जैसे when I went to the party because she fell. सर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। क्या करोगे तुम? रिक्वेस्ट। अच्छा, व्हेन आई वेंट टू द पार्टी बिकॉज़ शी फेल इल दैट कीप्स मी मोटिवेटेड although I am injured. अब ये देखो जरा गौर से, ये सारे सेंटेंसेस का जो हिस्सा है ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट लग रहा था तुमको ये? When I went to the party, because you fell ill, that keeps you motivated, although I am injured. क्या ये complete sentence है? नहीं, ये incomplete है, ठीक है? और एक हिस्सा साथ दे दिया आपको, ये simple sentence का कर देते हैं, मान लेते हैं, I I got late. क्या लिखा हुआ है? I got late. और ऊपर लिखा हुआ when I went to the party. ठीक है, I got late अगर एग्जाम में खाली ये लिख के दे दिया, दो आइडियाज भी नहीं दिए, तो हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं? When I went to the party, because she fell ill. यानी आप याद कर लें कि इसके लिए फैन बॉयज नहीं है ऑप्शन आपके पास। जब इसमें आप रीजन जोड़ेंगे तो बिकॉज आ जाएगा, फॉर और किसकी जगह? सो की जगह। जब आप टाइम से जोड़ रहे होंगे तो आप वैन यूज करेंगे, ठीक है? जब आप रीजन से जोड़ रहे होंगे तो आप वाई यूज करेंगे। जब आप प्लेस से जोड़ रहे होंगे तो आप वेयर यूज करेंगे। जो रही बात यहां पर, तो ये जो हिस्से मैंने बना के दिए हैं, फ्रेगमेंट जो मैंने बना के दिए हैं, ये फ्रेगमेंट क्या है बेसिकली? ये फ्रेगमेंट कंपाउंड की निशानी, उसकी कॉम्प्लेक्स की निशानी है। जो रही बात यहां पर, यानी आप ये याद कर लें कि why, when, where, because, although, however, even though, despite छोड़ दो, बल्कि despite ना लिखो इसमें, while लिख लो, while, while, ये वर्ड जो हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके पास? इफ कॉम्प्लेक्स की निशानी है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स की निशानी है, ठीक है, दैट कॉम्प्लेक्स की निशानी है, वेयर क्वेश्चन के अलावा अगर आता है तो कॉम्प्लेक्स की निशानी है, व्हेन क्वेश्चन के अलावा अगर आता है तो कॉम्प्लेक्स की निशानी है, ठीक है?